इवनिंग दोस्तों, लड़ीवार दूसरी आरटीआई भी आ गई है हमारे पास हरियाणा से, जिसमें सारे सीएमओ सिविल सर्जन साहबान को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने आगे डायरेक्ट किया था, तो उनकी कल ईमेल आई। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मैं रोहतक के सीएमओ साहब का, जिन्होंने हमें बहुत सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, देखिए ईमेल में, कि 0.1-4 के मुताबिक जो मैंने पूछा था कि वो पॉइंट्स के हमारे पास जवाब नहीं है, वो स्टेट हेडक्वार्टर यानी कि स्टेट हेडक्वार्टर होता है डायरेक्टर हेल्थ, वो जवाब देंगे। और पॉइंट नंबर 5 के मुताबिक उन्होंने रिगार्डिंग दिस पॉइंट बताया कि अभी तक हरियाणा के रोहतक में कोई ऑर्डर नोटिस नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने क्या पूछा था नोटिफिकेशन के बारे में, ये ध्यान से देखिए। ये देखिए रोहतक के सिविल सर्जन, आप चेक कर सकते हो, ये देखो रोहतक के सिविल सर्जन, ये रोहतक के सिविल सर्जन साहब हैं, उनके द्वारा चिट्ठी है। तो मैंने जिस चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, तो मैंने पूछा था मेरे को उस ऑर्डर नोटिस नोटिफिकेशन की प्रतिलिपि दीजिए स्टेट की सेंटर की, जो कि सीएमओ को आई हो, जिसके मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की अवेलना की गई हो, कंटेम्प्ट कोर्ट किया हो, और प्राइमरी हेल्थ वर्कर या सीएमएसईडी वालों को प्राइमरी हेल्थ केयर देने से रोका हो कि वो नहीं कर सकेंगे रूरल पॉपुलेशन में एज पर WHO गाइडलाइंस। मैंने पूछा था कि हमें उस नोटिस की प्रतिलिपि दीजिए सर्कुलर की, जिस स्टेट के द्वारा या सेंटर द्वारा, यानी कि हरियाणा से पूछा था स्टेट द्वारा या सेंटर द्वारा हेल्थ अथॉरिटीज को कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ हो दिल्ली से या पंचकूला से सभी सीएमओ को, कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है सीएमएसईडी के बारे में कि उसको लागू नहीं करना है। तो उसके, क्योंकि नेचुरली हमें कहीं से मिलता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में रुकावट कोई डाल रहा है, तो हमें बताइए वो कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है सीएमएसईडी के फेवर में, उसको रोकने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो हमें बताइए। तो आगे से जवाब आया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर या फर्स्ट एड को रोकने के लिए कोई अभी तक नोटिफिकेशन ऑर्डर नोटिस नोटिफिकेशन नहीं आया, इस ऑफिस में नहीं आया। डेट पढ़ लीजिए, नई डेट है। क्या पूछा था फिर दोबारा, कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर या CMS कम्युनिटी मेडिकल होल्डर्स को रिफ्रेन किया गया था, रोका गया था कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर ना दें, प्राथमिक चिकित्सा ना दें ग्रामीण क्षेत्र में, कोई सेंटर का नोटिफिकेशन दीजिए। वो नोटिफिकेशन जो वायलेट करता हो, जो कंटेम्प्ट करता हो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की, जो ना मानता हो सुप्रीम कोर्ट को पैक्स पावर, तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ऊंची है, वो जस्टिस देते हैं सभी को, डॉक्टर को भी, प्राइमरी हेल्थ केयर वाले को भी, एक गरीब को भी, अमीर को भी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सीएमओ साहब का कि उन्होंने ये पत्र लिख के हमारे मन में, जो हमारे स्टूडेंट है या नहीं भी स्टूडेंट है, किसी और कॉलेज के हैं, है तो हमारे देश के वासी, हमारे मदरलैंड के हैं, जो फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, जो किसी एमरजेंसी में, नेचुरल कैलिमिटीज में, कभी ट्रेन आ जाए, हादसा हो जाए, नेचुरल कैलिमिटीज हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। ऐसे वॉलंटियर को कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, जो कि हमने वो साथ में लगाई थी CMSED के फेवर में, कि जो फर्स्ट एड प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको रोकने के लिए कि वो ये ना करें काम, कोई ऐसी जजमेंट नहीं है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं है। ये क्लियर कट है आपके सामने, दूध का दूध पानी पानी का हो गया। ये देखिए, ये ईमेल से आया आपको सामने है। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। कॉलेज बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सरंद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला 147001, पंजाब में। अम्बाला से हम 60 किलोमीटर हैं, दिल्ली से हम 250 किलोमीटर हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट एड वाले, हर मुद्दे पे, डोरी हो, फीमेल फिटीसाइड हो, प्लांटेशन हो, फ्लोरा फौने का प्रिजर्वेशन हो, स्ट्रे एनिमल के द्वारा रेबीज फैलाने का हो, या उनकी इंसेमिनेशन की कोई प्रॉब्लम हो, या उनकी बढ़ती जनसंख्या किसी को
खल रही हो, तो उनके मुद्दे भी जो हॉट मुद्दे हैं जानवरों के भी, फ्लोरा के भी, फौना के भी, नेचर के भी, ग्लोबल वार्मिंग के भी, हम आपके सामने लेके जरूर आएंगे। वैसे ऐसे ही नीचे कमेंट करते जाइए, हमें बताते जाइए कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमें सोशल इश्यूज पे हमने वीडियोस बनानी है। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, ना किसी की सरकार के विरुद्ध, ना किसी एसोसिएशन के विरुद्ध, ना किसी फ्रेटर्निटी के लैब टेक्नीशियन के या MBBS के विरुद्ध, ना BMS के विरुद्ध। ये सभी को बराबर का हक, ह्यूमन राइट्स के तौर पर इस दुनिया पे, इस प्लेनेट पे जानवर का भी हक है और हमारे इंसान का भी हक है। धन्यवाद दोस्तों।